नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V21e 5G versus Vivo Y33s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo V21e 5G में 6.32 इंच जबकि Vivo Y33s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo V21e 5G में 2.91 इंच जबकि Vivo Y33s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo V21e 5G में 0.3 इंच जबकि Vivo Y33s में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo V21e 5G में 165 ग्राम जबकि Vivo Y33s में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo V21e 5G में AMOLED जबकि Vivo Y33s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo V21e 5G में 6.44 इंचेस जबकि Vivo Y33s में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo V21e 5G में 1080x2400 और Vivo Y33s में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo V21e 5G में 84.37% जबकि Vivo Y33s में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo V21e 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo Y33s में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo V21e 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y33s की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo V21e 5G में Mali G57 MC2 जबकि Vivo Y33s में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo V21e 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Vivo Y33s में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo V21e 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo V21e 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo V21e 5G में 4000 mAh जबकि Vivo Y33s में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo V21e 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 25,250 रुपीस में मिलता है। और बात करें Vivo Y33s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V21e 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y33s की तो उसमें 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Vivo V21e 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है, दूसरा Vivo V20 Pro है, तीसरा Oppo F19 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A74 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।